आखिर में आप लोगों का माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेस रिलेटेड इश्यूज एंड द यूनिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ अवर लद्दाख वॉज क्वाइट लिमिटेड बट एज आई एंगेज मोर विद द स्टूडेंट्स एक्सप्लोरिंग देयर प्रोजेक्ट्स एंड आइडियाज आई फाउंड माई सेल्फ लर्निंग alongside them their creativity dedication and deep connection to our environment पैगाम हमारा है अच्छा पैगाम रोको रोको वेस्टेज को और बन जाओ महान घर घर तुम सब मिलकर बनाओ एक ऐसा सिस्टम पूरा पूरा काम बने और वेस्टेज निकले थैंक यू फातिमा सोगरा फॉर द ब्यूटिफुल पोएम यही तो जिस मारना खा जाएंगे उड़ा कर कीड़े मकोड़ों का नहीं और सिंह साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम रियली क्रिएटिव रियली वंडरफुल दे हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज इन देयर इफ परफॉर्म लाइक दिस एंड इट कम्स इन अ शेप एंड organization like Agricultural Eco Foundation giving them a beautiful foundation and organizing this kind of mela every year and for the encouragement of students they selected some few selected they get related students or teachers bhi yahan pe aaye hain shayad different schools se honge zyadatar model high school mom karge ke hain shayad to मुझे अच्छा लगा आज यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारे अटेंडेंस है वो फीमेल स्टूडेंट्स का यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये बहुत ही अच्छी अलामत है कि हमारे करगिल के डेवलपमेंट को लेकर आज यकीन नहीं करोगे जब हम पीयूसी उस वक्त पीयूसी बोलता था और फर्स्ट ईयर बोलते थे जब हम पढ़ते थे करगिल में पूरे करगिल के एक हायर सेकेंडरी हुआ करता था उस वक्त करगिल करके फातिमा शहनाज फातिमा नजमा बानो नुसरे नसरीन फातिमा टीचर का नाम है गुलाम मोहम्मद सर के आपके एनजीओ का तो मार्च में हम ये सोच रहे हैं कि उसमें वर्मिंग का साथ ये काम जो कर रहा है हम चाहते हैं कि ये पूरे लद्दाख के मैक्सिमम स्कूलों के So our idea name is creating solution from the problem itself. शुक्रिया सर आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया जी मैं समझता हूँ जैसे कि हमारे स्कूल जो है वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाग़ खुमैनी है पिछले साल हमने सस्टेनेबिलिटी एंड वेस्ट पे जो है प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें पहले तो हम समझते थे कि सारे कचरे एक ही है बच्चों को भी लगता था कि जो भी वेस्ट जो हम रेपर्स को या कोई भी चीज़ हो हम उसको एक ही कैटेगरी में डाल देते थे लेकिन जब से हमने विप्रो के थ्रू ये प्रोजेक्ट किया उसमें बहुत चीज़ें हमें जानने को मिला हमने उसमें सबसे पहले वेस्ट सेग्रीगेशन हंट किया सबसे पहले तो हमने आसपास के कचरों को जमा किया फिर उनको कैटेगराइज किया अलग अलग कैटेगरी में जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट को अलग हजारडियाज वेस्ट को अलग या जिस तरह से आपका होता है कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट होता है वेट जो कंपोस्टिंग होता है वो सारे चीज़ें तब जाके बच्चों को समझ में आया कि सारे कचरे जो है एक जैसे नहीं होते कुछ को हम रीयूज़ कर सकते हैं जिन कुछ को हम रिसाइकल कर सकते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मेरा नाम सिराज मुश्तबा खान है और मैं सुरवेली स्कूल का हूँ और मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ तो आज विप्रो ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए थे और यहाँ पे मेला भी था सस्टेनेबिलिटी मेला था तो आज मैंने हमारे स्कूल ने भी एक प्रोजेक्ट लाया था जो सस्टेनेबिलिटी पे ही वो करता है फोकस करता है सो वहाँ पे हमने मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे वर्टिकल विंडमिल रोटेटिंग रोलर से और वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट
थिंग यही था कि वो इको फ्रेंडली और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि मुझे लगता है कि इस टाइप के प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे स्टूडेंट अपने इनर आइडियाज़ और जो भी मतलब चीज़ें उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उनके अंदर जो भी आइडियाज़ प्रेजेंट है वो सब निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हेरून निसा है और हम सब सवा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। आज हम यहाँ पर ऑडिटोरियम हॉल में आए थे। यहाँ पर नवी क्रू इको फाउंडेशन की तरफ से एक एक प्रोग्राम रखा था जहाँ पर मतलब पिछले साल के विनर्स टॉप 40 वाले विनर्स के अवार्ड सेरेमनी था। यहाँ पर हमें अपने प्रोजेक्ट्स को लाना था। यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक यूटिलाइजेशन प्लांट को लाया था जहाँ पर हम थर्मली डिकम्पोज करते थे प्लास्टिक को और वहाँ से हम तीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स निकालते थे जैसे चारकोल थे, फ्लेमेबल गैस था और तीसरा था क्रियोटॉइल। क्योंकि जब हमने म्यूनिसिपल कमेटी कारगिल से बात की तो वहाँ से हमें पता चला कि एक दिन में हमारे यहाँ से 7 ट्रक्स जो है एक पर डे 7 to 14 ट्रक्स जो है वेस्ट निकलते हैं और हमारे कारगिल में प्रॉपर प्लांट भी नहीं है। हम यहाँ पर अभी भी लैंडफिल कर रहे हैं और 2017 के डाटा के मुताबिक जो है 9.5 बिलियन टन्स जो है प्लास्टिक यूटिलाइज हुए हैं और वो भी आज भी हमारे प्रेजेंट में अभी भी हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है क्योंकि वो इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इसी परेशानियों को, इसी एनवायरनमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नज़र में रखते हुए हमने एक प्लास्टिक यूटिलाइजेशन प्रोजेक्ट बनाया था जो कि जिसमें कि प्लास्टिक जो है मैंने पहले ही बता दिया कि उसमें से 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स निकलेंगे हमें। सो हमने यहाँ पर यहीं पर हमें जो है हमारे सारे स्कूल जो है स्कूल के स्टूडेंट जो है वो सीईसी सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस प्लांट को जो है वो बड़े लेवल पर ले जाए क्योंकि ये बहुत यूज़फुल प्लांट है। ऐसे हमारे लद्दाख जैसे उसमें रीजन में क्योंकि यहाँ जो है टूरिज़्म की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि टूरिज़्म जो है वो कचरे फेंकते जा रहे हैं और जो है हमारा लद्दाख इको सेंसिटिव एरिया होने की वजह से ये जो है हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो मेरा नाम प्रीति चौहान है और मैं नवी क्रू इको फाउंडेशन की फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विप्रो फाउंडेशन का पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है उनके विप्रो अर्थियन प्रोग्राम के लिए जो हम पिछले 4 साल से लद्दाख में कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है वो एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस्ड है और इसमें थीम्स 3 है, वेस्ट वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी जिसमें स्टूडेंट्स काम करते हैं। तो हम जनरली टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं एंड टीचर्स और बच्चों के साथ हम काम करते हैं और अलग अलग आज तक हम गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, गोम्पा स्कूल्स, मोनेस्टिक स्कूल्स और इस्लामिक स्कूल्स, ये सारे स्कूल्स में हमने काम किया हुआ है और ले, कारगिल, जांस्कार, नुब्रा, ये सारे रीजन्स में हम काम करते हैं। और आज जो हम आए थे इसका अवार्ड सेरेमनी सेलिब्रेट करने आए थे जहाँ पे हमारे 2 स्कूल्स जो है गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल हाई स्कूल गुमा कारगिल और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बागे खुमैनी, इन दोनों को 10,000 का प्राइज़ मनी मिला था और उनको सर्टिफिकेट्स भी मिले, बैग्स, गुडी बैग्स भी मिले। और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सीईसी सर कारगिल का और हमारे सीईओ सर कारगिल के कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ ये पूरे इवेंट में जुड़े।